हाँ भाई, टेक्निकल एसईओ। अब ये क्यों जरूरी होता है अपनी वेबसाइट में, और ये तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते, है ना? कर सकते ना, कुछ भी चीज नाच नहीं है, कर सकते हैं। बोल हाँ। हाँ ठीक है। अब सबसे पहला है साइट मैप। मैप का मतलब है, बड़ा बताएगा। ठीक है, साइट का मतलब जगह। और अभी यहाँ साइट मैप किसकी बात हो रही है? तो वेबसाइट का नक्शा बनाना पड़ेगा, जो कमेटी वाले आएंगे चेक करेंगे। और यहाँ कमेटी वाले कौन है ना? क्रॉलर। हमने यूजर बोला ना, तूने नहीं, इनने बोला ना, तो दूसरों की बात नहीं सुनना ना। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है। दूसरा क्या है? रोबोट टीएक्सटी। अभी रोबोट टीएक्सटी क्या है? हाँ, तुम्हें बड़ा रखा। हाँ, रोबोट टीएक्सटी। उसमें ये होता है कि अगर उसको मार्किंग कर देता है तो जिस फाइल को अगर जिस साइट पर खोलना हो तो समझ ही नहीं। रोबोट टीएक्सटी, उसके नाम से पता नहीं लगेगा ये क्या है। ठीक है, और कोई एग्जांपल भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी तो ना। पढ़ाऊंगा, छोड़ कैसे दे। देखो, नाम से नहीं पढ़ाऊंगा ना, अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। रोबोट टीएक्सटी भाई एक फाइल होती है, नॉर्मल फाइल, टेक्स्ट फाइल, जैसे नोटपैड में होता है ना, लिख देते हैं, और टेक्स्ट फाइल होती है, वो रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही वेबसाइट में एक रोबोट टीएक्सटी नाम की फाइल होती है। अब ये फाइल क्या करती है? ये क्रॉलर्स बॉट्स को बताती है कि क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी, बस इसका इतना सा काम है। और ये सिर्फ बताती है, मानना ना मानना क्रॉलर पर डिपेंड। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, तुम्हारा घर, तुम्हारा रूम। ठीक है, अब रूम के गेट पे तुमने लिख दिया अंदर आना मना है। ठीक है, अब वो बात कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा, वो उस पर डिपेंड है ना। पप्पा आए, इसे धोने आ रहे ये हाँ, तो फिर मानेंगे उस मुझे लिखा हुआ है, नहीं ना, वो तो घुस जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कोई अननोन पर्सन आया, उसने देखा, वो मानेगा, वो मान लेगा बात। ठीक है, तो वो क्या है? सिर्फ एक पर्चा है कि वो बताता है कि हाँ ये चीज करनी है और ये चीज नहीं करनी, मानना ना मानना क्रोलस पे डिपेंड है। ठीक है, गूगल बोर्ड अच्छे हैं, वो मानते हैं, कई दूसरे बोर्ड्स भी हैं जो नहीं मानते, वो घुस जाते हैं। ठीक है, तो रोबोट टैक्सी क्या है? जोर से बोल, जय माता की। नहीं, रोबोट टैक्सी, जो टीएक्सटी एक ऐसी फाइल है हाँ, जो कि जो कि क्रॉलर देख सकता है, नहीं क्रॉलर को बताती है कि इसको मतलब इसको देखना ही है, मतलब क्रॉलर्स को बताती है कि कौन कौन सी फाइल आपको एक देखनी है। इंडेक्स करती है क्या क्या नहीं देखना, क्या नहीं देखना, मतलब ये कुछ होगा कौन अपनी सी वेबसाइट पे। फाइल आपको देखनी है और कौन सी फाइल आपको नहीं देखनी है। सिंपल, ठीक है। शिवम मरमोती, तुम भी सुन लेना, बेशक तुम यहाँ ना आओ। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये हो गया आपका रोबोट टीएक्सटी। अभी पेज लोड टाइम क्या है? पेज लोड का टाइम, ठीक है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं? कम करना जरूरी है, बढ़ाना जरूरी है? हाँ भाई, क्योंकि क्यों, क्या तो वो जल्दी आएगी, तो कम होना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जीएस एंड सीएसएस। मैं अपडेट करता रहता हूँ नहीं ना। हाँ, तो कितने दिन पहले बाद आए थे, तो नई चीज आएंगी, नई चीज अपडेट होती रहेंगी। अब जेएस क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, पता करो, ये पढ़ा रखा है मैंने। अच्छा, हाँ, जेएस किस काम आती है? चल सीएसएस बता दे किस काम आती ये शायद लोग के नाम आती है। लोग के नाम, है वेबसाइट के लोग कोड वगैरह हाँ आ जाती है। और सीएसएस
सीएसएस उनको सीएसएस क्या सीएसएस करता करता है? वो तो तुमने डेफिनेशन पढ़ ली, समझ क्या आया? देखो तुमने डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन मेरे को ट्रांसफर करती, मुझे तो समझ में आ गया, तुम्हें क्या आया? मुझे आ गया, तुम बताओ ना तुम्हें क्या समझ में आया, उसे समझाना जरा, उसे पता नहीं है ना। हाँ तो उसे पता होना चाहिए ना। हाँ भाई लौंडे बता, फुल फॉर्म ही बता दे सीएसएस की। अब क्यों ढूंढ रहे हो? बताओ सीएसएस की फुल फॉर्म। आखिरी में तो शीट है बिजनेस ना, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब स्टाइल क्या होता है? काम में आता है क्या, मतलब वो उसको सुधारने में, प्रेजेंटेशन के काम में आता है। ठीक है, उसका लुक एंड फील सुधारने में। अब इन दोनों को ऑप्टिमाइज करना क्यों जरूरी है? अब सीएसएस है, मान लो फालतू यूज हो रही है तो उसे हटाना है। जेएस है, फालतू में यूज पड़ी है, लिखी हुई है तो फाइल का साइज बढ़ा रही है, तो उन सारी चीजों को हटाना है। ठीक है, और ये जो डेवलपर लिखता है वो लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लिखता है कोड, तो लाइन ज्यादा हो जाती है, उसको मिनीफाइड में करना है। मिनीफाइड मतलब कि मान लो 1000 लाइन एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है, स्पेसिंग वगैरह सब कुछ कम कर। जेएस का यूज बता दो सर। जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है जो फंक्शनैलिटी आप अपनी साइट में डालो, कि स्क्रॉल करो तो ये हो जाए, एक बटन पे क्लिक कराओ तो ये सारा इफेक्ट आ जाए, दूसरे बटन पे क्लिक कराओ ये सारा इफेक्ट आ जाए, या क्लिक ही बंद करा दो किसी का। सीएसएस स्टाइल कराने के लिए, ये दिखेगा कैसा है, लुक एंड फील इसका कैसा आएगा, एक बॉक्स है ये दिखना कैसा चाहिए। एचटीएमएल क्या? कोई बात नहीं, गलत हो गए तो क्या है, मैं थोड़ी खा जाऊंगा तुम्हें। एचटीएमएल किस लिए यूज होती है? लौंडे पढ़ाया था मैंने तुझे, मैं तो पता नहीं कितनी बार पढ़ाया होगा। हाँ, एचटीएमएल की फुल फॉर्म तो क्या करता है फिर एचटीएमएल? बस कुछ भी तोड़ के बोल दो और हो गया, है ना, एग्जाम चल रहा है ना, लिख दे नंबर आ जाएंगे बस। एग्जाम में ऐसे आता है, रेगुलर नंबर तो नहीं आता है, पर क्या आता तो टीचर ही का था जो दे देता नंबर। HTML एक स्ट्रक्चर होता है पूरी वेबसाइट का, जो उसके अंदर एलिमेंट डालता है, जैसे बॉक्स है तो बॉक्स HTML डालेगा, CSS उसको स्टाइल करेगी, जावास्क्रिप्ट उसके अंदर फंक्शनैलिटी लेके आएगा, एसटीएमएल क्या करेगा? एलिमेंट डालेगा, साइट का स्ट्रक्चर बनाएगा, स्केलेटन, HTML, ब्रेन, CSS, मेकअप। ठीक है, उसके बाद ये तो मैं तो ऐसे एस एस एल सर्टिफिकेट क्या होता ये तो पता ही नहीं, और एक नीचे वाला वो भी क्या क्या है, क्या है एस एस एल सर्टिफिकेट क्या है? कई बार आपने साइट देखी है जिसका कनेक्शन सिक्योर नहीं होता? लाइक दिस, अगर मैं लोकल होस्ट कर दूंगी, ये लो ये साइट है, क्या कह रहा है ये, कनेक्शन इट नॉट सिक्योर, कि इस साइट का कनेक्शन सिक्योर नहीं है। और अगर मैं यही साइट खोलूं ऐसे, तो यहां भी नॉट सिक्योर दिखा रहा है, और अगर तुम डिजिटल वाले की खोलो अरे यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा भाई, क्यों सर्टिफिकेट सिक्योर है? सर्टिफिकेट लगाओ भाई यहाँ पे, इसके पास सर्टिफिकेशन है। अब देखो यहाँ HTTPS दिख रहा है, सर्टिफिकेट
और यहाँ देखना, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं था। देख सकते, इसे कर रहे थे कॉपी, इसे करते हैं नोटपैड में पेस्ट। नोटपैड कहाँ गया? पेस्ट। देखो यह HTTP है ना, तो P और S दोनों में ये फर्क है कि अगर SSL नहीं है आपके पास तो HTTP प्रोटोकॉल पे आप काम कर रहे हो, जो एक सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं है। और अगर आपके पास, ये शिवम को आवाज नहीं सुनाई देगी तेरी, जोर से बोल। ऐसा है तो उसका मतलब सिक्योर है। ऐसे सिक्योर्ड है मतलब कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन है, ठीक है, काम करने का। अब ये सर्टिफिकेशन अगर हम सिर्फ डेवलपर के एंड से देखें, ठीक है, तो सर्टिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हम, मतलब हम अपने बारे में किसी और को बता रहे हैं तो सर्टिफिकेशन नेसेसरी नहीं है। हम यूजर का डाटा ले रहे हैं तो सर्टिफिकेशन नेसेसरी है, लेकिन SEO पर्पज से सर्टिफिकेशन मस्ट। हाँ, गूगल अनसिक्योर साइट को प्रमोट ही नहीं करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद हाँ, अब ये क्या बला है? ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये लो एक गाइड दे देते हम तुम्हें थोड़ा सा बताने के अच्छा लिए। आ खुल जा, नहीं खुलेगी क्या? वाड़ में ये भी नहीं खुल रही, क्या चल रहा है? अभी वो बताना है कि जरा वो कह रहा है अभी बताइए। नहीं निकल खुल गया, खुल गया। अब बताओ, पढ़ो और बताओ। ये ट्रेंड बताता है कि मतलब थोड़ी सी हम को हिंदी भी आ रहा है वो और मैं भी बता रहा था कुछ बाकी पढ़ो सब मैं पढ़ो पढ़ो। अरे पढ़ने के तो अपने हिसाब से समझ में आता है पर आपके हिसाब से थोड़ा अलग ही चलता है। मेरे हिसाब अलग, क्यों अलग चलता है भाई? कल को मैं नहीं होगा तब, कल को मैं नहीं होगा और तुम्हारे सामने नई चीज आएगी तब। तो अगले सामने वाले तो पूछना ही होगा आप सबका दिमाग आपके पूरा थोड़ी चलता है ना ना ना, अभी यहां तो से बात है जाके इंग्लिश आती है, उसको हिंदी करो पर वो हिंदी में हिंदी बोलने आती में है, टूट जाता है टूट फूट जाता है कुछ। मतलब आपके बोलते बोलते नहीं तो ऐसे ही पता उसमें सब मेरा बताने का तरीका अलग है, ये तो पढ़ के बताऊंगा नहीं। हाँ तो आप अपने तरीके को बताइए फिर वो अपने चलो इसको सस्पेंस में रहने नहीं सर सस्पेंस वाले दो, नहीं क्योंकि इसका जब टॉपिक आएगा ना कैनोनिकल का, तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये सर थोड़ा सा बताइए एक पेज के 7 URL बन सकते हैं, तो उसमें से बेस्ट URL कौन सा हमें बताना अच्छा होता जो मास्टर पेज है वो बता दे मतलब जो एचटीएमएल ऐसा रहता है है, याद ना है? है पेज के 7 URL बन सकते हैं, और तुमसे बनवाऊंगा। हाँ ये बताता है कि डिग्री पेज कौन सा है और मास्टर पेज कौन सा रोटेशन रहता है रिडायरेक्शंस, अभी रिडायरेक्शन क्या बोला है? डायरेक्शन तो रिडायरेक्शन रिडायरेक्शंस के अंदर मैंने तो 3 ही कोड लिखे हैं, अभी बहुत सारे एरर्स हैं जो तुम भी फाइंड आउट करोगे, ये सब वही होता तो है चलो ना एरर लिखो अभी, वो जो तुम्हें पता करने हैं। कोड देखो एरर होते हैं या फिर स्टेटस कोड होता है, क्या होता है? चलो है हाँ, तो बस मैं कोड बताऊंगा, उसके बारे में ढूंढना है। तो 503 लिख ले मोहित,
503-404-301-302. सर एक मिनट, फिर से रुकिए। 503 फोर जीरो फोर 403 200 और 503 हो गया। ओके और इसके बाद 201 0 और 1500 00। 5 00 हाँ इनका पता करो, इसमें से बहुत सारे पता लग जाएंगे तुम्हें, जिसको मुझे भी नहीं पता होगा तुम्हें भी पता लग जाएगा। ये तो कोड किस चीज के? हाँ ये सब कोड किस चीज के, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओपन ग्राफ टैग। सर्च करूं, खोलूं, पढ़ के बताओगे क्या है? नहीं। बात करें तो देखो चलो, ओपन ग्राफ टैग क्या होता है। तुम कभी लिंक शेयर करते हो अब किसी भी चीज का? हाँ लिंक शेयर करते, जैसे व्हाट्सएप पर किया हो कभी, यूट्यूब की वीडियो का करते हो और किसी चीज़ का करते हो, तो उससे क्या होता है कि उसका एक इमेज बनी आ जाती है। इमेज बनी आ जाएगी, टाइटल बना आ जाएगा, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आ जाता है। और कभी किसी साइट का नॉर्मल लिंक शेयर करके देखना, लिंक ही चला जाता है सिर्फ, और कुछ नहीं आता है। साइट का सिर्फ कभी लिंक शेयर करते तो लिंक में ये सब बना नहीं आता, सिर्फ लिंक चला जाता है। तो ये फर्क आता है ओपन ग्राफ टैग की वजह से। एक टैग लगता है जिससे आप कभी लिंक शेयर करते हो तो वहां पे वो लिंक ऐसा डिस्प्ले होता है, कैसा है, इमेज के साथ, टाइटल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ। और वो टैग नहीं लगा होगा तो लिंक क्या है, नॉर्मल लिंक की तरह है, जाएगा। अब एक लिंक ऐसे ही पड़ा है और एक लिंक बढ़िया से पड़ा है, तो किस पे क्लिक करोगे? जिस पे फोटो वगैरह सब आ रही है उसी पे क्लिक करोगे ना, तो वो शेयरिंग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, एसईओ के। लिंक हाँ वो ग्राफ टैग्स, ठीक है। अब ट्विटर काट गया है, आपने जैसे ओपन ग्राफ टैग है वो यूज होता है मेटा के लिए। मेटा मेटा में कौन कौन से ऐप हैं, कौन कौन सी साइट है मेटा की, मेटा कंपनी की कौन कौन सी साइट है? अरे बताओ। पता नहीं? व्हाट्सएप को मेटा ने खरीद लिया, इंस्टाग्राम को मेटा ने खरीद लिया, फेसबुक को भी। तो गलत हो जाएगा तो क्या हो गया है, सूली पे चढ़ाऊंगा क्या मैं? हाँ चढ़ाऊंगा। देखो मेटा कंपनी के पास तीन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। इस पे शेयर करोगे तो यहाँ पे ओपन ग्राफ टैग काम आ जाएगा, मेटा टैग, ठीक है, वो टैग काम आ जाएगा तीनों पे एक बार में। लेकिन ट्विटर नहीं है उसका, ट्विटर का अलग प्लेटफॉर्म है, तो उसके लिए एक ट्विटर कार्ड लगाना पड़ेगा सेम एज इट इज, तो वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी ट्विटर की, ट्विटर के लिए शेयरिंग की इंफॉर्मेशन। समझे नहीं समझे? कोई बात नहीं, ट्विटर पे अगर लिंक शेयर करेगा ना तो वहाँ पे इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा, अगर सिर्फ ओपन ग्राफ लगा रखा है तो। उसके लिए एक अलग से ट्विटर कार्ड लगाना पड़ेगा, ट्विटर कार्ड का टैग, जिससे वो आए। अब समझ गया, W3C वैलिडेशंस। नहीं ढूंढो। लैपटॉप पे ढूंढो, तो वो टाइम मेंटेन करना सीखो, जैसे हाथ तुम्हारा फोन पे चलता है वैसे लैपटॉप पे चलना चाहिए सटासट। टाइपिंग किस चीज को आती है अभी? स्पीड कितनी है? तो तो थी, अब खत्म, अब खत्म। W3 अभी इसमें GTA खेल रहा हो तब तो चल जाएगी। लैपटॉप में पीसी में खेल रहा हूँ, खराब हो गया तो क्या करता है, इसमें क्या पता है इसमें कुछ।
लैपटॉप देखा कभी अंदर से कैसा दिखता है? लैपटॉप देखा कभी अंदर से कैसा दिखता है? देख दिखाता हूँ। ये देख, मैंने अपना खोल दिया था, रैम बढ़ा दिया था ना। आओ सरकार आओ, आज तो लेट हो गए, काफी लेट हो गए। वैसे इतना कुछ मिस नहीं किया है क्योंकि ये सारे टॉपिक दोबारा से पढ़ाऊंगा एक एक ब्रीफ में, तब वो टॉपिक समझ नहीं आ जाएगा। अभी तो इसके बारे में छींटा लगाया है। वेबसाइट का कोड ये चेक करने के काम आता है हाँ तो वेबसाइट का कोड तो चेक करो। और किसी वेबसाइट का तो कंट्रोल से तो कोड दिख जाएगा। ये चेक कैसे करोगे कि वेरीफाई कैसे करोगे? ठीक है नहीं। हां तो ये बताइएगा और फिर अगर बताइए मैं कैसे चेक एक साइट है W3C वैलिडेशन की, उस पर जाओ, डोमेन लिख दो और वो एरर सारे बता देगा। हाँ अब वो एरर तुम्हें समझ में आते हैं तो डेवलपर से तुम बोल के सोल्व करा लो, और समझ नहीं आते, कोडिंग आईडी नहीं समझ में कैसे आएगा समझ नहीं आते तो डेवलपर को बोलो। तो लिंक उठाओ और डेवलपर को दे के मारो कि लो भाई ये सारी चीजें सही कर दो प्लीज। इज्जत से बोलो, नहीं वो करेगा नहीं, है ना? ठीक है, तो ये सारा तुम्हारा क्या है, टेक्निकल क्लास टेक्निकल एसईओ की चेकलिस्ट। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले तुम्हें आज बता देता हूँ साइट मैप। अब कौन बताएगा साइट मैप क्या होता है? साइट साइट मैप यूआरएल होता है। देखो, साइट मैप अपनी साइट का एक मैप होता है जहाँ पे हम अपने सारे यूआरएल्स को लिखते हैं, सारे पेज को बताते हैं कि ये हमारे सारे पेज है हमारी वेबसाइट के अंदर हैं, भले ही वो एक पेज पे कनेक्ट ना हो किसी और से। जैसे मान लो होम पेज पे मैंने एक होम पेज बनाया और उस पे एक ब्लॉग का पेज है, लेकिन हो ब्लॉग के पेज का लिंक होम पेज पे डाला ही नहीं, लेकिन साइट मैप में मैं डाल सकता हूँ ताकि क्रॉलर को बता दूँ कि हमारे पास ब्लॉग भी है। ठीक है, तो ये साइट मैप क्रॉलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि अपनी साइट में, हमारी साइट में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके के साइट मैप है, एक है साइट मैप डॉट एक्सएमएल वाला और एक है साइट मैप डॉट एचटीएमएल वाला। अब देखो, साइट मैप किसी भी कोड में हो सकता है, पीएचपी में भी हो सकता है, कोई व्यू इंजन, चलो उधर ज्यादा हो गया, छोड़ो कोडिंग से ज्यादा हो गया, तो तुम दो ही समझ लो, ज्यादातर लोग दो ही यूज करते हैं, डॉट एक्सएमएल और डॉट एचटीएमएल। डॉट एक्सएमएल वाला किसके लिए होगा? क्रॉलर्स और पोर्ट्स के लिए, यूजर यूजर के लिए। ये साइट में पढ़ के समझाओ, चलो ये एक्सएमएल साइट में आ रहा है समझ है? तो एक्सएमएल वाला यूजर के लिए है, चलो कोई। ये साइट मैप है एचटीएमएल वाला, ये समझ में आ गया ना, ये किसके लिए है? यूजर। ठीक है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, अब ये तुम खुद लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना? कोडिंग अब तुम इसे कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, और उसे बनाओ साइट मैप डॉट एक्स एम एल को, इक्विक डिजिटल डॉट कॉम की वेबसाइट वेबसाइट का अगले 10 मिनट में। हाँ चल, ऐसे ही होता है। क्या? हाँ, इसका साइट मैप डॉट एक्स एम एल बनाना है। मतलब ऐसे कोडिंग वाला लैंग्वेज चलो तुम्हें एक क्लू दिया, XML साइट मैप जनरेटर, XML पता लग गया ना तुम्हें? हाँ? अरे अरे XML साइट मैप जनरेटर, भूला भूला, अब बादाम तो लाके देंगे नहीं हम तुम्हें। तो फिर बादाम बदलो तुम्हारे।
तो दिमाग को ट्रेन करना शुरू करो। equickdigital.com बात नहीं, बनाना तो आया ना। अब शिवम कैसे बनाएगा, उसे तो हमने दिखाया नहीं कि कैसे जनरेट करते हैं, तो देख लेगा भाई, है ना, देख लेगा अपने आप भाई। ठीक है, अगर यहाँ तक वो वीडियो देखेगा तो उसे वाणी सुनाई देगी। XML साइट मैप जनरेटर हुआ जनरेट, वहां कहीं पे व्यू फुल साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है, आ गया है? कैसा लग रहा था तुझे सुन के पहले, क्या ही बला है ये है? अगर ये क्लू नहीं देता ना तो होता ही नहीं, है ना। तो इतना हैवी चीज जो लगती है वो असल में होती नहीं, दूर से बिल्ली भी शेर ही दिखती है। लोगों को करने रिपोर्टिंग बैठे खत्म। तुम बीच में आए हो बिल्कुल भी, तुम्हें पहले का रिवाइज खुद करना चाहिए ना। नहीं ऐसे तो वो चलेगा हो जाएगा और हो गया, हमें बहुत नहीं डिफरेंस सर, है। अभी वो मतलब ऐसा क्या नहीं है टारगेट कि है तुम्हारा, कब तक कर दोगे? जब तक की क्लास खत्म होगा तब तक, जब तक ये क्लास खत्म होगा तब तक ठीक है, 4 दिन को क्लास खत्म ऐसा थोड़ी हो रहा है, 2 घंटे का ऐसा नहीं हो हो रहा गया जनरेट। चल अब ये यहाँ पे एक फाइल आएगी, डाउनलोड का ऑप्शन देगी, डाउनलोड करके डेवलपर को दे देना, वो लगा देगा। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें वर्डप्रेस की साइट में लगाना है तो कैसे लगाओगे, है ना, ये तो बवाल चीज है, वहाँ कैसे करोगे? तो तुम्हारी साइट बनी हुई है सबकी, ठीक है, बनी हुई है ना सबकी, है ना, डोमेन खोलो, तू भी खोल ले शिवम है तो तो पहले खोल के देखो। वाला अब जो तुम्हारी साइट खुलेगी उसके आगे लगा के देखना /sitemap.xml, उसके URL के आगे /sitemap.xml। मिल गया, हो गया तुम्हारा फ्री में ही काम। तेना मिला साइट मैप है?
साइट मैप डॉट एक्सएमएल। रुक्त अरे अभी इनको भी बताना है तो समझा दूंगा एक बार भी। क्या कह रहा है? यू आर एल काउंट क्या कह रहा है? 7 12। और तुम्हारे में तो बहुत सारे साइट मैप बने हुए हैं। तुम्हारे अंदर साइट मैप के भी साइट मैप बने हुए हैं ना, उस पर क्लिक करो। लग गया पता, मिले साइट मैप मिला। द पेज इज नॉट सीम्स टू एग्जिस्ट। अरे स्वास्थ्य का क्या नाम है ये ना? हाँ ठीक है, उसका देखना लिंक सही है कि नहीं है पीछे वाले इंसान का। लिंक बोल पूछ रहा हूँ मैं, लिंक सही लिखा है कि नहीं? सही है लिंक तो उसके पास है नहीं अभी साइट में। ठीक है तो तुझे साइट में डालने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? एक प्लगइन है योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ, उसे इंस्टॉल कर ले बस, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब जस्ट इन केस तुम्हें नहीं करना योस्ट एसईओ से नहीं करना, ठीक है? तो एक और प्लगइन आता है सिंपल साइट मैप, लेकिन वो एचटीएमएल वालों के लिए, तो योस्ट एसईओ से दूसरा प्लगइन ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। अगर योस्ट एसईओ से नहीं करना है तो उससे कर लेगा। एक और आता है ऑल इन वन एसईओ, उससे भी साइट मैप आ जाता है, लेकिन योस्ट एसईओ ज़्यादा बेटर है। ठीक है तो योस्ट एसईओ प्लगइन अभी के अभी इंस्टॉल कर और फिर दोबारा से इस पेज को रिलोड करके देख, आ जाए। सर का भी करा दे। तुम तब तक ओपन ग्राफ बनाओ। ओपन ग्राफ बनाओ ना एक। ओपन ग्राफ लगाना है ना अपनी वेबसाइट पे, पहले बना तो लो। बाय ओएसटी अलग अलग है, किसी से भी हो सकता है। हाँ तो जनरेट कर दो। अब जिस पेज का बना रहे हो उस पेज का टाइटल डलेगा। आ गया। चल भाई मिठाइयाँ बांट दे। सर का करा, सर का करो। अभी तो नंबर ऑफ इमीडिएट ये तो
एक इमेज का यूआरएल डाल दो। ये है कोडिंग के लिए जनरेट करने का, साइट पे नहीं लगेगा। वही तो ढूंढो, इमेज का यूआरएल कैसे ढूंढ सकते हैं। अच्छा चलो पहले ये काम करो, तुम लोग तो ढूंढ लोगे इमेज का यूआरएल। हाँ देखे तेज हो रहे हैं बहुत, तुम्हें ढूंढना कैसे आएगा बताओ। हाँ तो गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो हाउ टू फाइंड इमेज यू आर। हो गया सर का अभी। राइट क्लिक करना। नहीं हो रहा है। हाँ क्लास में हूँ मैं अभी। मुझे क्या पता, करके तो देखो मालिक। फिर उसके बाद वेरीफाई कैसे करोगे इमेज एड्रेस सही है? तो वहाँ पेस्ट करो ना उसे, यहाँ नहीं टैब में पेस्ट करो, टैब में ऊपर एक नए टैब में पेस्ट करो। तुमने कर रखा ही है और मुझे भी याद है। एंटर। अब तुम्हें साइट मैप डॉट एक्सएमएल तो पता लग गया कैसे जनरेट करेंगे और अपनी वर्डप्रेस की साइट में भी कैसे डालेंगे, है ना? अब बात करते हैं एचटीएमएल की क्या करें। तो करो क्या लगा था मैं बताऊंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन फिर आराम से देना होगा, फिर से वो क्या उसमें दिखना चाहिए क्योंकि जो लिंक जाएगा है ना। अब HTML कैसे बनेगा ना, साइट मैप डॉट HTML जैसे XML किया था वैसे बन जाएगा। करके देख। हाँ बता रही है, पूछ रही है है ना? तो जनरेट तो कोई करके दे नहीं सकता। तो एक प्लगइन आता है सिंपल साइट मैप। क्या क्या दिक्कत आ गई, अब कहाँ फंस गया तू? एक प्लगइन आता है सिंपल साइट मैप बाय डेविड गायर, ठीक है उसे इंस्टॉल कर। ठीक है शिवम तू भी कर ले, आ रहा हूँ एक मिनट में। एंथनी डेविड डेविड डी आई थिंक
पहचान का नाम तो लिख दो। हाँ ये भैया खेलने खेलने मत करो, सर को भी बताओ यार। सिर्फ लिखना है सिंपल साइट मैप और वो हो जाएगा तो कोई सा प्लगइन पे सर्च करते हैं जहां से। दिखा दे, बस दिखा दो, एक बार दिखा दे, स्क्रीन दिखा दे, देखो कहाँ ढूंढना है। कोई बात नहीं, होता रहता है। अब एक काम करो, एक पेज क्रिएट करो, एड न्यू पेज करो ना, तो करना, एक पेज क्रिएट करो, उसका नाम रखो साइट मैप, पब्लिश मत कर देना, बस उसका एड टाइटल के अंदर साइट मैप लिखना है।
यार ये तो बहुत सही कुर्सी है यार। क्या टाइटल डालना है? साइट मैप स्पेस मत दियो इस बार। हाँ अरे खोलने की कोशिश की है तो फिर खोलने की कोशिश तो करो, पता लग जाएगा खुलेगा कि नहीं। जब साइट चल रही है तो वो भी खुलेगा ना। /WP मैंने साइट में याद तो है ना, तो खोलो सर अपना डोमेन लिखो, उसके आगे लिखो क्या गलती कर रही है ये पता इधर आइए। देख ही रहा मैं यहीं से क्या कर रही है। WP माइनस माइनस एडमिन सही लिखा उसने, URL देखना। हाँ अरे सर खुल नहीं रहा है मुझे कौन क्या याद पेज बना लिया, साइट मैप लिख लिया। अब शिवम देख मैं करके नहीं दिखा रहा, सुन लियो बस ठीक है। अब पेज बनाने के बाद अब वो वहां पे एक वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है ऊपर इसका लोगो लेफ्ट साइड में, वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है, उसके साइड में प्लस का आइकन है उस पर क्लिक करो। अब सर्च करो साइट मैप, सिंपल आ गया उस पर क्लिक करो। हाँ प्लस पे उसी पे ठीक है शिवम, सिंपल साइट मैप मिल गया। अब उस पर क्लिक कर दिया, उस साइट मैप बन के आ गया। अब इसे अपडेट कर दो, अपडेट करने के बाद व्यू पेज कर लेना। सिर्फ यहाँ आने से दो उंगली चलाने से नहीं होता, घर पे बैठ के माथा मारना होता है। सिंपल साइट मैप सर्च तो कर लो मैडम, यहाँ नहीं होता है उधर उधर क्या स्क्रॉल करो और थोड़ा सा, बस वो सारे इसका ऑप्शन दिख रहा है वहां पे। ये तो कर लो पहले सिंपल साइट मैप। आया कहाँ ऊपर 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 कहाँ उड़े जा रहे हो तुम? साइट मैप में स्पेस क्यों दिया है? यही है ना, कुछ भी इंस्टॉल कर लोगे क्या? स्पेस नहीं देगा। कहाँ चला गया? ढूंढो कहाँ चला गया, ऐसे तो सदियां लग जाएंगी। क्या अभी मैं हमें कर पता, दूँ? हाँ तो फिर तुम क्या सीखोगी? नहीं अभी पता ही जाते स्क्रॉल करो हैं। नीचे भी जाएंगे। तो सर्च ही गलत कर रखा है तो क्या आएगा? साइट मैप सर सिंपल स्पेस और साइट मैप। अभी तो आप कह रहे कि घूमत करो, सिंपल साइट मैप में स्पेस दे रखा था कि नहीं दे रखा था? साइट एक सर, तो हाँ अभी तो बोले कि नहीं ठीक है। ही कहाँ आ रहा है? क्या लिखवा रहा हूँ मैं, लिख सिंपल के बाद स्पेस दे था, भाई साइट तुम, में लिख दे एक भाई सर तू, लिख दे। सिंपल के बाद स्पेस, साइट ही तो बता।
साइड के बाद का स्पेस कर दो और भी पेशेंस बड़ी जल्दी खो देते तुम। देखो ना कहाँ गलती कर रही हो और फिर उसको ठीक करो। वरना ऐसे तो कुछ नहीं कर पाओगी अगर ऐसे हो। इसको स्किप कर दो। अब जाके एक नया पेज बनाओ। पेज बनाना आता है? यहाँ से होता है? टाइटल में साइट मैप लिखना है। नहीं ठीक है। अभी जो प्लस का आइकन आ रहा है दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ से सर्च करो। हाँ करवा रखा है, सब करवा रखा है मैंने। साइट मैप सर्च कर दो ना ऊपर ही। तो सर्च तो कर दो। आ गया, बस अभी से पब्लिश कर दो। ये करवा रख, सब करवा रखा है। प्रैक्टिस नहीं है बस तुम्हारी। हाँ अब याद आ गया। हाँ क्यों क्यों नहीं था फिर अभी इंस्टॉल? बताओ क्या? नहीं उड़ा दिया होगा? सर, होता तो ये दिखाता, होता तो दिखाता ना। हाँ वही तो मुझे तो दिखाता तो ये मैंने करके दिखाया होगा, तुमने किया ही नहीं होगा। ये एसटीएम में के लिए था तुम्हें एसटीएम एग्जाम पढ़ाया था ना मैंने, तो तुमने लोकल में किया था। नहीं, हाँ ये एसटीएम के लिए है ना, यूजर के लिए है ये, वो हम लोग जो किए थे एक्सेल में किए थे ऑर्डर के लिए, तो वो वाला हम लोग किए थे उसके बाद समझ गया। ठीक है, तो आज साइट मैप तक ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में कराता हूँ। और अगली क्लास में अंधाधुंध हो जाएगा सारा। ठीक है शाम, ठीक है मोहित, ठीक है। चलो भाई, तो इस क्लास का अंत कर देते हैं।